हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जय अम्बेमा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम क्या बनाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। आज हम बनाएंगे गोभी के पोखते की सब्जी बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने गोभी को कटिंग कर लिया है, साफ पानी से धो लिया है। इसको हमने बारीक मिक्सी में बारीक थोड़ा सा हल्का बारीक कर लिया है। आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं जो हमने देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको काट के तैयार कर लिया है। अब इसको हम इस बर्तन में डालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर लिया है, अजवाइन लिया है, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्ची लिया है और यहाँ पे लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट हमने बना लिया है, हरी धनिया लिया है। तो हम इसमें पोख्ता बनाने के लिए इसमें हम जो मसाले डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने मसाले दिखाया तो इसको हम सारे मसाले इसी में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे, जितना इसमें ऐड होगा उतना हम डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का डालेंगे, सॉफ्ट होने के लिए डालेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको हम इस तरह मिला देंगे, इनको हम इस तरह हाथ से मिला देंगे अच्छी तरह से, हमारा जो बेसन है इसमें मिल जाए। उसके बाद हम बना के दिखाएंगे दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इनको गोला बना सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा इनको इस तरह हाथ से दबा दबा के बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह हम बनाएंगे, इसी तरह के हम सारे कोफ्ते बना के रख लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो जाए, उसके बाद हम इनमें कोफ्ते पकाएंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे इसमें इसी तरह हम पका लेंगे। इनको हम दूसरी तरफ पलटेंगे इस तरह, दोनों तरफ से हम इनको पका लेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते पका लेंगे। यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इधर हम कढ़ाई में तेल डाल दिया है सरसों का, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी घी, तेज पत्ता डालेंगे, घी डालेंगे, जो हम लहसुन अदरक का हरी मिर्ची का पेस्ट बनाए उसको डालेंगे। प्याज का पेस्ट डालेंगे, इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, गरम मसाला, तीखी मिर्ची,
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ पे हम सारी चीजें इसी में डाल देंगे। डालेंगे कलर मसाला। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना।